दोस्तों नमस्कार। आज हम आपके लिए EDS का एक एक्शन लेकर आए हैं दोस्त, जिस एक्शन की मदद से दोस्तों आप सिंगल क्लिक में बॉय गर्ल और कपल की 17 फुटेज एक साथ काट सकते हैं। दोस्तों ये एक्शन दोस्तों आपका समय बचाएगा और जितने देर में आप बॉय गर्ल कपल के 15 या 17 फुटेज काटते हैं उसका मान के चलिए कि एक तिहाई समय भी इसमें नहीं लगेगा और आपके एक सिंगल क्लिक में ये सारे फुटेज कट के अलग अलग 25 सेकंड के फुल HD में H264 की रेजोल्यूशन में कट के अलग हो जाएंगे दोस्तों, जिसे आप अच्छे से अपने प्रोजेक्ट पर रिलिंक करा सकते हैं। दोस्तों हम जितने भी प्रोजेक्ट प्रोवाइड कराते हैं अपने वीडियो के माध्यम से दोस्तों, उन सभी प्रोजेक्ट में जितने भी बॉय गर्ल और कपल के फुटेज इसी रेजोल्यूशन पर हैं, 25 सेकंड उनका टाइम है, फुल HD H264 में उसका रेजोल्यूशन है दोस्तों, तो उसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों हमने आज ये एक्शन आपके लिए तैयार किया है और लेकर आए हैं। तो आज का हमारा ये एक्शन कैसे काम करता है और EDS में इसको कैसे ओपन करना है, इससे कैसे फुटेज काटने हैं, ये सारी चीज़ें जानने के लिए चलते हैं हम अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर और देख लेते हैं कि आज का हमारा ये एक्शन कैसे बना हुआ है। तो आइए स्टार्ट करते दोस्तों। तो फाइनली हम आ गए हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर। ये वो RAR फाइल है दोस्तों जो आज आप लोग डाउनलोड करेंगे। दोस्तों इस RAR फाइल के अंदर जब आप अनजिप करेंगे तो आपको एक इसी नाम से एक फोल्डर मिलेगा जिसके अंदर केवल आपको एक्शन मिलेगा। दोस्तों इस एक्शन का कोई साइज़ नहीं है दोस्तों, वैसे आपको इसको डाउनलोड करने के लिए फ़िलहाल हम देख लेते हैं कि कितना MB खर्च करना पड़ेगा। दोस्तों MB में नहीं, ये टोटल 38 KB का है, यानी 38 KB का दोस्तों ये एक्शन है। इसको डाउनलोड करने के लिए 1 MB भी आज आपको खर्च नहीं करना पड़ेगा, दिमाग आपको लगाना पड़ेगा दोस्त। केवल वीडियो में दोस्तों इसके ऊपर जो हमने पासवर्ड लगाया हुआ है वो वीडियो में मिलेगा और 3 पार्ट में मिलेगा। तो चलिए अब इसको ओपन करके देख लेते हैं। फिलहाल सबसे पहले इसको हम अनजिप कर लेते हैं दोस्तों और अनजिप करने के बाद अपने EDS में ओपन करके देख लेते हैं कि ये एक्शन कैसे काम करता है। दोस्तों इसका साइज इतना छोटा है कि अनजिप करने पर सो नहीं हो रहा है कि ये अनजिप होता है या नहीं, इतना तेज़ी से अनजिप हो जा रहा है दोस्तों। और अनजिप होने के बाद आपको उसी नाम का एक नया फोल्डर मिलेगा दोस्तों, जिसके अंदर आपको केवल एक्शन मिलेगा, बाकी कुछ नहीं दोस्तों। तो इसको अपने EDS में ओपन करके और देख लेते हैं कैसे काम करता है दोस्तों। तो सबसे पहले अपना EDS ओपन कर लेते हैं दोस्तों। इसमें एक बात ध्यान रखने वाली है कि कभी आप अपना EDS पहले से इस्तेमाल जैसे कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट ओपन कर रखा है वहाँ से आप अगर इसको ओपन प्रोजेक्ट करते हैं दोस्तों, तो आप फुटेज सही से काट नहीं पाएंगे, क्योंकि तब आपको उस एक्शन वो एक्शन सही से काम नहीं करेगा दोस्तों। तो इसका सबसे अच्छा तरीका यही है दोस्तों कि आप अपना EDS खोलें और ओपन प्रोजेक्ट करके यहाँ से ओपन कर सकते हैं, या फिर आप जहाँ प्रोजेक्ट रखे हों वहाँ से प्रोजेक्ट फाइल के ऊपर डबल क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं। फिलहाल हम आपको दिखाने के लिए ओपन प्रोजेक्ट करके हमने डेस्कटॉप पर रखा हुआ है इसको, VCG ऑटोमेटिक एक्सपोर्ट एक्शन बाय ALINE1, इस पर डबल क्लिक करते हैं और हमारा जो ये एक्शन है इस पर डबल क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। तो एक्शन हमारा लोड हो रहा है दोस्तों और ये फाइनली लोड भी हो चुका। अब इस पर करना क्या है दोस्तों, आपको जो भी फुटेज काटने हों, हम यहाँ पर कोई भी एक फुटेज ले लेते हैं या वीडियो ले लें, आप अपने हिसाब से लेना दोस्तों। हम आपको दिखाने के लिए केवल एक फुटेज लेंगे, वही काट के आपको दिखाएंगे। आप वीडियो भी रख सकते हैं, आप फुटेज भी रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको बिन से उठा के और यहाँ रख देते हैं। और दोस्तों अलग अलग जितने भी Y1 Y2 ऐसे ऐसे करके अलग अलग मार्क लगा हुआ है, आपको उतने उतने तक Y1 और उसके बाद Y2 Y3 Y4 Y5 ऐसे करके, और उसके बाद कपल 1 2 3 4 5, उसके बाद गर्ल 1 2 3 4 5, यानी आपको जितने भी फुटेज काटने हों आप उन्हीं के ऊपर जो ये क्लिप दिख रही है आपको, जो कि अनलिंक रूप से दिख रही है, आपको इसके ऊपर आपको रखते हुए चले जाना है। और ये दोस्तों ये कलर मेड जो आपको दिख रहा होगा ये आप अपने हिसाब से रखना चाहें तो रख सकते हैं। लाइट इस पर स्क्रीन लाइट बढ़ाने के लिए हमने लगा रखा है अपने लिए, हम इसको ऐसे ये करते हैं तो इसका लाइट कम हो जा रहा है, उसके बाद फिर लगाते हैं तो लाइट बढ़ जाता है। आप अपने हिसाब से रखना, अगर आपको अच्छा लगे तो रखना, नहीं तो इसको आप डिलीट कर देना, कोई चक्कर नहीं, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। आप रखना चाहें तो रख सकते हैं वरना नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। और हमने एक फुटेज ऐसे लगा लिया और इसी को हम कॉपी करके और कॉपी पेस्ट करते हुए चले जाएंगे और पूरे टाइमलाइन पे
रख देंगे। आप यहाँ पर जो एक्सपोर्ट वाला आइकन आपको शो कर रहा होगा, जहाँ पर हमारा कर्सर है, आप लोग यहाँ देखें और एक्सपोर्ट, यहाँ पर आप क्लिक करें नीचे वाली एरो के ऊपर, तो आपको एक नया विंडो खुल के छोटा सा सामने आएगा। उसमें दोस्तों आपको प्रिंट टू फाइल नहीं करना है, आपको बैच एक्सपोर्ट करना है, F2 नहीं प्रेस करना है, आपको सिंपल ये जो बैच एक्सपोर्ट लिखा हुआ है इस पर सिंगल क्लिक करना है। सिंगल क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको ये एक नया डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा, जिसमें आपके सामने सारा डाटा खुल के आएगा कि 25 सेकंड की क्लिप है, कहाँ सेव होगी, इसका रिजोल्यूशन क्या है और कितने MB का ये एक क्लिप बनेगा, ये सारी चीज़ें आपके सामने शो हो रही होंगी और इसका पाथ भी शो हो रहा है कि मतलब ये किस नाम से किस फाइल के अंदर जाएगा। दोस्तों अब इसको आपको कुछ नहीं करना, सिंपल आपको एक्सपोर्ट कर देना है। और ये दोस्तों हमने पहले अभी थोड़ी देर पहले एक फाइल एक्सपोर्ट करके रखी हुई थी, इसलिए बोल रहा है कि इसको ऑलरेडी एक्सिस है, रिप्लेस करना है या नहीं, तो हम इसको कर देते हैं यस। और उसके बाद ये रिस्टोर मतलब सॉरी दोस्तों ये एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों ये जितनी देर में आपका कटेगा, 1-2 मिनट लगेगा दोस्तों, उतनी देर में आप मान के चलिए कि आप चाय पी सकते हैं, खाली समय में अपने किसी कस्टमर से बात भी कर सकते हैं, और अगर आप रेस्ट करना चाहते हो, थोड़ी देर बाहर निकलना चाहते हो अपने लैब से, तो आप थोड़ी देर रेस्ट भी कर सकते हैं। दोस्तों ये लगभग मान के चलिए कि 17 फुटेज कटने में दोस्तों 1 मिनट या 2 मिनट समय लगेगा, क्योंकि फुल HD में कट रहा है दोस्तों 25-25 सेकंड की टाइमिंग के साथ। दोस्तों जब तक फुटेज कट रहे हैं तब तक हम वीडियो को फास्ट कर दे रहे हैं, उसके बाद वीडियो कट जाने के बाद हम आपके पास फिर से दोबारा आएंगे। दोस्तों तो फाइनली दोस्तों हमारा सारा फुटेज कट चुका है 25 सेकंड का, टोटल 17 फुटेज थे दोस्तों, 5 बॉय, 7 कपल और 7 गर्ल के फुटेज थे, टोटल कट चुके हैं। दोस्तों हम एक बात बताना भूल गए, बात वो थी दोस्तों कि आपको एक ऑल इन वन फुटेज के नाम से एक फोल्डर क्रिएट करना है अपनी डी ड्राइव में, एक ऑल इन वन नाम से एक फोल्डर क्रिएट कर लेना है आपको, क्योंकि ये फुटेज कट के डायरेक्ट वहीं पर सेव होगा, हमने उसी नाम से मतलब इसमें एक पाथ सेलेक्ट कर रखा है, तो आप डी ड्राइव में एक ऑल इन वन फुटेज के नाम से एक फोल्डर क्रिएट कर देना है आपको पहले, उसके बाद आपको EDS में इस प्रोजेक्ट को ओपन करके और फुटेज लगा के और एक्सपोर्ट करा देना है दोस्तों। तो फिलहाल दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में किसी नए प्रोजेक्ट के साथ दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, टेक केयर।